जबलपुर में फर्जी अस्पताल के नाम पर 10,000 कोविशील्ड के डोज बुक कराने के मामले ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नींद उठा दी है। जब अधिकारियों ने इसकी जांच की तो पता चला कि जबलपुर में इस नाम का कोई अस्पताल है ही नहीं। देखिए एक खास रिपोर्ट। दरअसल मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल जबलपुर के नाम से सीरम इंस्टीट्यूट को कोविशील्ड की 10,000 डोज की बुकिंग करवाई गई। इसकी सूची केंद्र सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य महकमे को दी। भोपाल से मिली पत्र के बाद यह पूरा मामला उजागर हुआ। जब टीकाकरण अधिकारी को अस्पताल का इंस्पेक्शन करने के निर्देश दिए, जो हकीकत सामने आई, उसने स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि जिस मैक्स हेल्थ केयर अस्पताल के नाम पर 10,000 डोज बुक किए गए, वह असल में जबलपुर में है ही नहीं। यानी किसी काल्पनिक अस्पताल ने नाम पर यह बुकिंग की गई, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए है। अब इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जिला टीकाकरण अधिकारी एसएस दाहिया ने कहा कि एक बैठक में प्रेजेंटेशन के दौरान इसका पता चला, जांच की तो सामने आया कि जबलपुर में ऐसा कोई अस्पताल है ही नहीं। मैं आपको बताना चाहूँगा, इस मैक्स हॉस्पिटल लिमिटेड नाम का कोई भी हॉस्पिटल जबलपुर शहर में नहीं है। तो जब हॉस्पिटल ही नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की वैक्सीन खरीदी गई है या फिर गायब हुई है। फिलहाल क्या ऐसा कोई भोपाल में आपकी बात हुई है या फिर ऐसा कोई चर्चा हुई है कंपनी से? भोपाल स्तर में हमारे एक ऑफिसर जो हमारे उनसे बात की थी हमने, तो उनने बोला ये लिस्ट हमें भी उस मीटिंग के दौरान ही मिली थी। अगर आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, मतलब वो परचेस नहीं किया गया अगर उस हॉस्पिटल के द्वारा। कैसे आपको पता चला क्या ये कि लिस्ट में जो नाम है, क्या मीटिंग हुई थी कुछ? हाँ, ये मीटिंग के दौरान एक लिस्ट हमारी सर मतलब दिखाया गया था, प्रेजेंटेशन के दौरान दिखाया गया था कि जो मतलब MP के 6 अस्पताल रहे, जिसमें 3 इंदौर के, 1 ग्वालियर, 1 भोपाल, 1 जबलपुर का था। उसी मीटिंग के दौरान हमने ये बता दिया था। मैक्स हॉस्पिटल मेरी नॉलेज में नहीं है, फिर भी मैंने सर्च कराया और 2 दिन बाद उनको पूरी जानकारी दी। उसके बाद किसी प्रकार का ना राज्य शासन से बोला गया कि पता करें, और या ऐसा मतलब किसी के द्वारा भी नहीं बताया गया। और ये हॉस्पिटल है भी नहीं शहर में, जैसा कि आप लोगों को भी मालूम, आप भी शहर से हैं, बिलोंग करते हैं, तो ऐसा तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं हमारे यहाँ। सर, जिस तरीके से जबलपुर में देखा गया कि जिस तरह नकली इंजेक्शन, तमाम मामले जबलपुर से आए हैं, ऐसा तो नहीं है कि जबलपुर में जिस तरीके से ये वैक्सीनेशन का मामला सामने आया है कि कोई अस्पताल ऐसा गड़बड़ कर रहा है, मंगाने के लिए ऐसा शरारती तत्व जो है ऐसा काम कर रहा है? नहीं, आप तो देखे होंगे किसी भी कंपनी मतलब परचेज करने के, किसी भी चीज़ एक ऑर्डर प्लेस होता है, फिर उसके टेंडर से बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता। अगर ऐसा कुछ होगा तो सीरम कंपनी के माध्यम से आपको भी जानकारी लग सकती है, मेरे को भी लग सकती है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं आया कि सीरम ने बताया है कि इसका इस ऑर्डर इस हॉस्पिटल ने इतनी डोज हमसे ली है। कोविशील्ड के 10,000 डोज फर्जी अस्पताल के नाम पर बुक करने का मामला कई सवाल खड़े कर रहा है। यह पूरा मामला चर्चा का विषय बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, जबलपुर।